कभी-कभी टेस्ट बदलने के लिए कुछ नया भी बनाना चाहिए, तभी तो खाने का मजा आएगा। घर की बनी बढ़िया कुकीज, इससे मुझे याद आया कि मैं हमेशा ही कुकीज बनाने के सपने देखा करती थी। वाओ, शिनचैन, शिनचैन, बोलिए, जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है। हाँ, ये क्या, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं सिरे के साथ लिखा छुपी खेल रहा हूँ। हाँ, क्या ये मॉम की पश्मीना वाली जैकेट नहीं है? तुमने इसे छूने की कोशिश कैसे की, बताओ मुझे। ये इतनी लंबी और ढीली हो गई। आपको नहीं पता, ये तो लेटेस्ट फैशन है, ढीले ढाले कपड़े पहनना। शिनचैन, चलो आज कुछ मजेदार काम करते हैं, दोनों मिलकर कुछ बनाते हैं। कुकीज बनाने का आइडिया तुम्हें कैसा लगा, बताओ। तो कुकीज बनाने हैं, पर लगता है चोको चिप्स बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। चोको चिप्स तुम कभी भी खरीद सकते हो, पर कुकीज भी कभी भी खरीदी जा सकती है मॉम। देखो शिनचैन, आज जो कुकीज हम मिलकर बनाएंगे उसमें प्यार मिला होगा, और ऐसी अनोखी कुकीज तुम्हें किसी भी दुकानदार के पास नहीं मिलेंगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना शिनचैन? तो वो बिकने लायक नहीं होगी। हाँ? ऐसी बात नहीं है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। अगर कोई उन्हें खरीदना चाहे तो भी नहीं। हाँ, तब तो मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ हम तुम्हारे और अपने लिए बना रहे हैं बेटा। पर मैं चोको चिप्स खाना चाहता हूँ। ना समझो जैसी बात, बंद करो और चलो मेरे साथ और चलकर मेरी मदद करो। चलो। चलो, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है शिनचैन? मैंने भी तैयारियाँ कर ली। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है अपना? सब्जी वाले का। तो क्या आज हम यहाँ सब्जियाँ बेचने वाले हैं? तो फिर क्या बेचेंगी? कुछ भी नहीं। तो ठीक है, मैं डांस करती करती कुकीज बनाऊंगा। चुपचाप मेरे साथ काम शुरू करो। आप पहले प्लीज बोलिए ना। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। तो शिनचैन, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक अंडा। देखो शिनचैन, अब ये मिक्स हो चुका है, और अब बारी है इसमें आइसिंग शुगर डालने की। क्या ऐसा नहीं लगता कि जैसे सफेद बर्फ गिर रही हो? हाँ, सच में ये तो बर्फ लगता है। तुम्हारे साथ इसे बनाकर मेरा सपना साकार होने जा रहा है। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। मैं बर्फ को ठंडा कर देता हूँ। ये क्या किया तुमने? मॉम, आप तो बिल्कुल सफेद हो गई है। ये काम इतना आसान नहीं है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं ये बना कर ही रहूंगी। तो चलो ठीक है शिनचैन, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि पाउडर कैसे तैयार किया जाता है। अब पाउडर को हमें इस तरह मिलाना है, ठीक है? मिला मिला मिला, अच्छी तरह मिला 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 मिला, अच्छी तरह मिला। अरे बेटा,
पाउडर मिलाने का ये तरीका सही नहीं है। मैंने हाथ धोई थी। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो क्या मैं सही नहीं कर रहा? इसे ठीक से मिलाओ। मिला 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 क्या हुआ? ये काम करने का तरीका नहीं है। मैंने हाथ धोए थे ना। मेरे कहने का ये मतलब नहीं। तो फिर क्या मतलब है? तुम्हारे रहते मैं ये काम पूरा कर भी पाऊंगी या नहीं? ओफो मम, आप तो बहुत ही धीरे धीरे काम करती हैं। ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए। तुम्हारी वजह से ये काम मैं दोबारा से कर रही हूँ, समझे? मेरी तारीफ मत कीजिए। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही। मैं भी ये करूँगा, मैं भी ये करूँगा। बिल्कुल भी नहीं। मम, आप मुझे अपनी मदद करने दीजिए। तुम्हें कहना चाहिए मदद, पर शिनचैन, इस काम में मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। वैसे कुकीज बनाना बहुत मेहनत का काम होता है। ठीक है शिनचैन, अब हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। क्या इसे गर्मी लग रही है? तब तक मैं आराम करूंगी। ये लीजिए। थैंक यू बेटा, अब तुम मुझे 30 मिनट के बाद उठा दोगे ना? मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है, चलो अब हम अपनी कुकीज को शेप दे देंगे। देखो, अगर हम इस ब्लॉक को लेंगे तो इसमें स्टार की शेप आ जाएगी और इससे फूल की। और देखो ये रैबिट की शेप कितनी प्यारी है। इसे इस तरह से सजा भी सकते हैं। शिनचैन, तुम्हें जो भी एनिमल पसंद हो तुम उसकी शेप बना सकते हो। इस तरह काम करने में मजा आएगा। ओके। ये इसे बनाने में कितना मगन हो गया है। शिनचैन ने कुकीज बनाई है, मैं जरूर देखना चाहूँगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाओ जल्दी। देखिए डैड, ये वो कुकीज हैं जो मैंने बनाई हैं। अरे ये क्या है? ये है मेरी, आपकी और मम की कुकीज। कितनी अच्छी बनाई है ना? सही कहा तुमने। और क्योंकि इतनी सुंदर हैं, खाई नहीं जा सकती। ये खाने लायक नहीं है। बेटा हमारा मतलब था कि इतनी सुंदर हैं कि हम बस इन्हें देखते रहना चाहते हैं। हाँ शिनचैन, ये इतनी बढ़िया बनी है कि इन्हें सजाने का मन कर रहा है। ये मतलब था। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। आज मैं मिलूंगा मजुदा का मैम से होटल में। आज की मेरी ड्रेस काफी अच्छी लग रही है, और लगेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरी पसंद सबसे अलग है। मुझे कपड़े खरीदने की अच्छी समझ है। चाहे मैं कोई भी ड्रेस पहनूं, सब में अच्छी लगती हूँ। अच्छा ऐसा कीजिए, मैडम के लिए लेकर आइए शाही पनीर, और मैं खाना पसंद करूंगा दाल मखनी और मिक्स्ड वेज। ओके। और साथ में जूस भी ले आइएगा। ये कितना अच्छा होटल है, मेन्यू में मेरी सारी फेवरेट डिशेस हैं। आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। और कुछ? बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, खाना बस अभी हाजिर होगा। सुनिए, देखिए आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाइए। चलो ठीक है मात्सुज़ाका। तुमने तो कुछ पसंद किया ही नहीं, और मैंने जो खाना मंगाया है वो तुम्हें पसंद आएगा? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल पसंद आएगा। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, और यहाँ से बाहर का नजारा भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो तुम्हें ये पसंद आया? हाँ बिल्कुल, ये सचमुच एक बढ़िया। हाँ? क्या बात है? देखो नहीं कितनी अच्छी जगह है। शिनचैन, क्या हुआ, कोई परेशानी है? देखो तुम मुझे बता सकती हो। शिनचैन अपने परिवार के साथ यहाँ कैसे आ गया? आप लोगों का स्वागत है। हाँ? आपको पता है मम ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाएंगी। ये बताने की क्या जरूरत थी? आइए मैं आपको आपके टेबल दिखाता हूँ, आइए। मिस मात्सुज़ाका,
क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? प्लीज हाँ? मुझे मेरे दूसरे नाम से बुलाइए। पर थोड़ी देर पहले तुम ही ने तो मान जाइए प्लीज। अभी थोड़ी देर में ऑर्डर देते हैं हम लोग। जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर। ये देखिए, ये फुल कोर्स मील है, आप इसे ट्राई करना चाहेंगे? ये क्या, यहाँ पर खाना नहीं फूल मिलते हैं मॉम? फूल नहीं, इसका मतलब फुल है। ओह, अब मैं क्या करूँ? सुनो, लगता है तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ? मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे यहाँ का पास्ता ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। बेटा बताओ तुम क्या लेना चाहोगे? डैड मैं तो नूडल्स लूंगा। नूडल्स तो हम अक्सर घर में खाते ही रहते हैं। मुझे लगता है मैं अपने स्कूल में ही हूँ। तुम सचमुच बहुत परेशान लग रही हो। नहीं मैं दरअसल थोड़ी नर्वस हूँ, शायद इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये एक मुकुट है, देखिए देखिए मैं राजा लग रहा हूँ। शिनचैन ये नैपकिन है, कोई कैप नहीं। और इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हो। इसे मैं यहाँ कैसे रखूं? लाओ मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो तुम्हें इसे यहाँ लगाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। अब मैं कैसा लग रहा हूँ? मुझे ढूंढिए, मुझे ढूंढिए, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ? Excuse me. मैं इतने सारे चम्मच काटे कैसे इस्तेमाल करूं? तुम्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। अब तुम्हारे इतने सारे हाथ तो है नहीं, तो बताइए मॉम अब मैं क्या करूं? बेटा भारी भारी इस्तेमाल करो। सुनो, हमें शायद इसे दाएं हाथ से इस्तेमाल करना है, या शायद बाएं हाथ से इस्तेमाल करें। चाहे जैसे भी करो, बस खाना खाने में मजा आना चाहिए। अरे शिनचैन ये तुम क्या कर रहे हो? पता नहीं ये सब कैसे रखे थे। शायद ये वाला ऐसे था और ये यहाँ। जरा सुनो, खाना तो बहुत टेस्टी है। दरअसल मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा कि मॉम डैड देखिए तो वहाँ पर क्या है। वाओ देखिए कितना सुंदर है। तुम्हें क्या हुआ? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो हम अपनी सीट्स बदल लें। पर मुझे बताओ बात क्या है? असल में मैं दूसरी तरफ बैठना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, अगर तुम इस तरफ बैठना चाहती हो तो ठीक है। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम खाने के बाद कॉफी पीना चाहोगी? तो भी ठीक है, उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। लगता है तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रही, तभी तो तुम। अरे नहीं मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। देखो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मैं यहाँ से जल्दी ही चला जाऊँगा। अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा सुनो, हाँ? तो मैं काम करता हूँ कि कॉफी का ऑर्डर अभी ही दे देता हूँ, बोलो कैसा रहेगा? अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ तुम कोल्ड कॉफी लेना चाहोगी या हॉट कॉफी? बस अब बहुत हो गया। बुरा मत मानिए प्लीज। अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, मैं जा रहा हूँ। हेलो, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब आपने जो ऑर्डर किया वो मुझे खाना पड़ेगा। ये सब मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है। तुमने सारा खाना खा लिया? पर ये टेस्टी है। अरे आप यहाँ, हम नहीं जानते थे कि आप भी यहाँ आने वाली हैं। सचमुच ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अरे आप चिंता मत कीजिए मत्सुजाका मैम, आप और खाना मंगाइए, मैं वो भी खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं कहते शिनचैन बेटा। शिनचैन बेटा बेकार की बातें नहीं करते। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
करेंगे धमाल। अब पुरानी न्यूज़पेपर्स क्यों बन रही हैं? इससे कुछ फायदा होगा क्या? हाँ फायदा है। क्या तुम्हें पता है कि ये पेपर्स फिर से रिसाइकल होते हैं, समझ गए? तो आपका मतलब ये है कि हमें हर चीज को रिसाइकल करना चाहिए? सुनिए आप सभी लोगों के शायद वो आ गया है। शिनचैन उसे रोको। अरे अंकल रुकिए जरा। सुनिए सुनिए भाई और बहनों, मैं हूँ आपका प्रिय नेता, मैं आपकी सभी समस्याओं को हल कर दूंगा। आप मुझे अरे ये सब क्या है? अरे ये तो वही है। अगर आप जीतेंगे तो क्या आप मुझे तोहफा देंगे? ठीक है, तुम्हें क्या पसंद है? जो आपको पसंद है। कुछ तो बताओ। बहुत सारे चौकचे। अरे वाह, अगर इलेक्शन ना होते तो मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकता। सर प्लीज अपने आप पर काबू रखिएगा। सुनिए प्लीज हमारी रद्दी ले जाइए। क्या कहा, रद्दी ले जाऊं? अरे क्या मैं तुम्हें रद्दी वाला कबाड़ी दिखता हूँ? तो क्या आप सब्जी बेचते हैं अंकल? क्या कहा तुमने? ये रद्दी आपने यहाँ की चिपकाई? ये रद्दी नहीं है। शांत हो जाइए, इलेक्शन का वक्त है। ड्राइवर चलो। ठीक है। पता नहीं वो अंकल बेचते क्या है। चलो मैं खेलता हूँ। अरे और अब वक्त है इलेक्शन की खबरों का। ये बताइए ये इलेक्शंस क्या होते हैं मॉम? शिनचैन बेटा, इसमें लोग अपना अपना वोट देकर अपना नेता चुनते हैं। ओके। ये लोग क्या कर रहे हैं डैड? बेटा ये लोगों से कह रहे हैं कि इलेक्शन में इन्हें ही चुने। पर ऐसा सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही होता है, एक बार चुन लिए जाने के बाद ये फिर नजर ही नहीं आते। अच्छा तो ये बात है। अच्छा तो अब इसके अलावा हमें और क्या खरीदना है? मैं आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए माफी चाहता हूँ। मैं हूँ आपका सबसे प्रिय नेता, आप अपना कीमती वोट मुझे ही दीजिए। अरे ये क्या, ये फिर से यहाँ आ गया? पिछली बार जब ये इलेक्शन जीता था इसने कोई भी काम नहीं किया था, तो अब क्या करें? हमेशा आपका साथ दिया। शिनचैन आप भी मेरा साथ। शिनचैन अंकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रद्दी इकट्ठी हो गई है, उसे आके ले जाइए ना। बेशक ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने सही कहा सर। लोग आपकी बातें सुन रहे हैं, प्लीज नीचे जाइए और उनसे हाथ मिलाइए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप हमको ही वोट देना प्लीज। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वोट हमें ही देना। मुझे इस शहर से बहुत प्यार है क्योंकि मैं यहीं पला बड़ा हूँ। अच्छा तो ये बात है अंकल, आप इसी शहर में पैदा हुए, लेकिन ये बताइए आपने ये रद्दी का काम आखिर कब शुरू किया? सेक्रेटरी तुम ही इस लड़के को संभालो। ठीक है, मेरी बात सुनो बच्चे, अगर तुम यहाँ से चुपचाप चले गए तो मैं तुम्हें ये लॉलीपॉप दूंगा। सुनिए सुनिए सब सुनिए, इन अंकल के पास लॉलीपॉप है, आइए ले जाइए। अरे इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ मेरी बात सुनिए, आप मुझे ही वोट दीजिएगा, मैं आपका प्रिय नेता हूँ, आप तो मेरी बात सुन रहे हैं ना, आप मेरी बात समझिए प्लीज, ध्यान से सुनिए, बस मुझे ही वोट दीजिएगा, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अगर मुझे वोट देंगे तो मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, मैं घुटने टेक कर आपसे विनती करता हूँ, प्लीज आप मुझे ही वोट देना प्लीज। इस बच्चे की वजह से मुझे सबके सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, सबसे माफिया मांगनी पड़ रही है, मैं घुटने टेक कर आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे ही वोट दीजिएगा, मेरी पार्टी को बहुमत दिलाइए। अंकल आप ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? आप मत रोइए प्लीज, मैं आपके लिए टॉफी लेके आता हूँ। शिनचैन बेटा इधर उधर मत देखो, बस अभी चलेंगे हम लोग यहाँ से। आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं नाम लिख रहा हूँ। पर आखिर किसका नाम? वो नहीं बता सकता। तो क्या डैड आप अपने बेटे को नहीं बताएंगे, बताइए। ये मुझे दो, ये मैं डालूंगा। अच्छा ठीक है,
बेटा ये बहुत ही जरूरी पेपर है, तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से इस बॉक्स में डालना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। तो ठीक है, ये लो मेरा भी। हाँ हाँ जरूर जरूर। चलो डालो। सबसे पहले मैं कौन सा वाला डालूं? जो भी तुम्हारा मन हो, लेकिन जल्दी करो। एक मिनट, मेरे ख्याल से मुझे दोनों को अलग अलग डालना चाहिए। तो ये डाल दिया। अच्छा तो डैड, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे डैड की भी कोई गलती नहीं है, मेरी मॉम की भी कोई गलती नहीं है, किसी की भी कोई गलती नहीं है। इलेक्शन समाचार, और अब हम आपको रिजल्ट्स बताएंगे। अब आप जानने के लिए बेहद उत्सुक होंगे कि कौन जीता है आपके इलाके से। ये जल्दी से रिजल्ट क्यों नहीं बता रहे हैं? इस इलाके से जीतने वाले उम्मीदवार का नाम है युचिन तारो। इन्होंने बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है। हम जीत गए, हम जीत गए। अरे ये तो वही रद्दी वाले अंकल है। माफ कीजिएगा, मैंने जो परिणाम पहले बताया था वो बिल्कुल गलत था। युचिन तारो असल में हार गए हैं, मुझे माफ कीजिए। माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए। कंट्रोल कीजिए सर, रुकिए सर, रुकिए। अरे सर रुकिए, मुझे तो लगता है अंकल को किसी भी घर से रद्दी बिल्कुल नहीं मिली। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा। है क्या छुपा जो तुम्हारी समझ न आए, सुनो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। Searching until you get it. Gotta ask yourself some questions like, what are they trying to teach me? What is